हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट टू सेमेस्टर थ्री के लिए एक बुक चालू हुआ था मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में हम लोग फिलहाल अभी पढ़ रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे, तो आप क्लास में बने रहे, क्लास को हम कंटिन्यू चालू करते हैं जल्दी में। एक बात है कि अलग जो यूनिवर्सिटी होता है, ठीक है, पार्ट वन, जैसे आपके देखिएगा एनपीयू हो गया, रांची यूनिवर्सिटी हो गया, बिहार में यूनिवर्सिटी होगा, यूपी में हो गया, अलग अलग स्टेट में आप भी देखिएगा। ये फिलहाल अभी हम लोग ऐसे बात करेंगे तो पार्ट टू का है, और सेमेस्टर जो आपका थ्री का है, और ये केवल बुक जो है उस बुक का नाम है मैट्रिक्स। कौन सी बुक चालू हो रहा है? मैट्रिक्स चालू हुआ है। तो आप इसको ऐसा ना देखें कि पार्ट टू का बुक है, सेमेस्टर थ्री क्या है, ये पार्ट टू कौन सा यूनिवर्सिटी में है कि जो बुक चालू हुआ है मैट्रिक्स वो पार्ट टू में आता है सेमेस्टर थ्री में, ऐसा नहीं देखेंगे। अगर आपके यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस दिया है आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए, अगर सिलेबस में आपके पास मैट्रिक्स है, सिलेबस में अगर बुक मैट्रिक्स है, तो आप बिल्कुल मैट्रिक्स को पढ़े, आसान भाषा में समझ में आएगा। ये नहीं देखे कि आपका सेमेस्टर थ्री में है कि सेमेस्टर वन में है कि सेमेस्टर फोर में है, बिल्कुल आप मैट्रिक्स के देखे कि मैट्रिक्स आपके बुक में है या नहीं है। तो क्लास को हम आगे कंटिन्यू चालू करते हैं। ये हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक, ये हमने लिखा है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स वाले थोड़ा सा नंबर आप लोग जान लीजिए कि ट्रिगो में हल्का सा पढ़ाया गया था कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या करेंगे, जेड से डिनोटेट करते हैं, और इसका जो फॉर्म होता है ए प्लस बी होता है। ए और बी आपका क्या होता है? रियल नंबर होता है। बात समझ में आ रहा है ना, ये क्या होता है? रियल नंबर होता है। और आई जो होता है उसको आवेटा बोला जाता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का हम लोग पहले डिफिनेशन देखते हैं, इसका डिनोटेट देखते हैं, तब एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट पहले पता होना चाहिए, उसके बाद मैट्रिक्स पता चल जाना चाहिए। इफ द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, इफ द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, हाँ हाँ बात सही, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है और वह मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होना चाहिए वो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, ठीक है। जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है वो होना क्या चाहिए? कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें हम लोग ऐसे जैसे आप मान सकते हैं कि एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, और उसको हम लिखेंगे x प्लस आवेटा के फॉर्म में। समझ में आ रहा है हम हाल? चलिए, इसमें हम लिखेंगे एनी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, क्या लिखेंगे भाई? जेड कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म एक्स प्लस आवेटा वाई होगा, ठीक है। यहां पे देखिएगा, वेयर एक्स एंड वाई आर टू मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, डेट इज, अब जेड बराबर क्या लिखिएगा, एक्स प्लस आवेटा वाई के फॉर्म में, ठीक है। मतलब यही बोला गया है कि अगर एक मैट्रिक्स है भाई, एक मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स को हम लोग जेड के कंडीशन में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, जेड के कंडीशन में। एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को हम डिनोटेट क्या करेंगे, जेड के, और डिफाइंड क्या करेंगे, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आवेटा वाई होगा, ठीक है।
ये मतलब एक्स और वाई क्या है, दो मैट्रिक्स है, एक्स वाला रियल मैट्रिक्स मिलेगा और वाई वाला इमेजिनरी मैट्रिक्स मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। हमने इससे एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि जेड बराबर मेरे पास 2 प्लस आवेटा है, 3 माइनस आवेटा है, 4 ठीक है, ये 4 केवल है ना, और ये क्या होगा 3 प्लस 2 आवेटा, ये एक मैट्रिक्स है, ये क्या है एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का हमने नाम क्या दिया, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स देंगे। क्या नाम देंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स देंगे। कैसे देंगे, इसका जो एलिमेंट हो रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के कंडीशन में लिखा गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंडीशन होता है a प्लस आवेटा b के जैसा होता है, ठीक है, क्या रूप में होता है, a और b क्या होता है रियल नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, x प्लस आवेटा y के फॉर्म में इसको लिखना है, अभी भी वही लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पे केवल 4 है और यहाँ पे 3 प्लस 2 आवेटा है। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको तोड़ना होगा तो देखिए क्या लिखने वाले हैं, 2 प्लस आवेटा है, उसके बाद क्या है 3 माइनस आवेटा, कहने का मतलब 3 माइनस आवेटा है, ये 4 प्लस 0 आवेटा लिख सकते हैं। अरे 4 को तो हम 0 प्लस आवेटा लिख ही सकते हैं ना, जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 में 4 से अगर हम जोड़ेंगे 4 में तो 4 ही मिलेगा, इसको कंडीशन ऐसे लिखना है, और ये क्या आ जाएगा 3 प्लस आवेटा। देखिए इसको ज्यादा समझने की जरूरत है, इसको हम 2 4 लिख सकते हैं, 3 और 3 लिख सकते हैं, बीच में क्या लिख सकते हैं प्लस लिख सकते हैं, क्योंकि सभी जगह क्या है प्लस है, लेकिन एक जगह क्या है माइनस है, अरे माइनस से ही तो प्लस बनता है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ये क्या बच गया, आई बच गया, माइनस आई बच गया, ये जीरो आई बच गया और ये केवल आई बच गया। समझ में आ रहा है ना, रियल वाले को एक पक्ष में और इमेजिनरी वाले को एक, अगर ये दोनों देखे 2 प्लस आई को जोड़ेंगे तो 2 आई होगा। हाँ यहाँ पर 3 प्लस 2 आई है, इसको हम चलिए ना कोई दिक्कत नहीं है, इसको टू कर देंगे, क्लियर है ना। अब देखिएगा इस वाले को अगर जोड़ के देखिए यही मिलेगा, 2 प्लस आवेटा आ जाएगा, 3 माइनस आवेटा आएगा, अच्छा 4 प्लस 0 आवेटा ये मिलेगा, और इसको जोड़ के देखिए मिलेगा ना, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, देखिए सभी एलिमेंट्स में से हम लोग आई को बाहर निकाल सकते हैं, इसीलिए तो पढ़ाए थे, कोई भी स्केलर नंबर से या स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी मैट्रिक्स में तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है ना, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा भाई, ये 2 आ जाएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और ये क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब बीच में क्या होगा प्लस, इसमें से हम लोग क्या करेंगे आई को कॉमन कर लेंगे, ये मिलेगा 1 माइनस 1 मिलेगा, ठीक है, अच्छा ये क्या मिल जाएगा भाई, ये 0 मिलेगा और ये क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है, और इधर से जेड, अच्छा जेड बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं आवेटा वाई लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आप एक्स के जगह पर इसको कैसे लिखिए, इसका मतलब एक्स बराबर आप 2, 3, 4 और 3 होगा, यानी कि y बराबर क्या होगा 1, 0 और 2 होगा। बस समझ में आ रहा है ना, ये दोनों क्या है मैट्रिक्स है, इसीलिए तो यहाँ पे लिखे हैं कि x और y क्या होना चाहिए, दो मैट्रिक्स होना चाहिए ना। अच्छा इस वाले को हम लोग रियल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, कौन सी मैट्रिक्स होगा रियल मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मैट्रिक्स है, लेकिन इसको हम कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे, इमेजिनरी मैट्रिक्स। कैसे बोलेंगे भाई, इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जैसे आप जेड इक्वल टू ए प्लस आवेटा बी के कंडीशन में पढ़े होंगे, क्लास 11 में पढ़े होंगे, हमने ट्रिगो में भी पढ़ा रखा है इसको, ठीक है। तो इस वाले को हम लोग बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी देखिए मैट्रिक्स से हमने बात नहीं किया है, केवल क्या किया है कॉम्प्लेक्स नंबर की बात किया है, क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इस वाले को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, कौन सा बोलते हैं रियल पार्ट बोलते हैं, नंबर तो दोनों ये भी होगा, और इस वाले को कौन सा बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना। और ये क्या होता है आवेटा होता है,
अच्छा ए और बी क्या होता है जी भाई, हमेशा रियल नंबर बात करेंगे, हो सकता है माइनस में होगा, हो सकता है प्लस में होगा, है ना, जीरो भी हो सकता है, बटा भी हो सकता है, तो रियल नंबर में तो सभी नंबर आ जाते हैं। तो अब समझेंगे, पूछता है कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का डिफाइन कीजिए और इसका एग्जांपल दीजिए। आपको बोला है कि इफ द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर ना कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, यदि किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट, किसी भी यदि कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का एलिमेंट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में दिखेगा तो उस मैट्रिक्स के हमने नाम कौन सा देंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि एनी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स मतलब जेड, जेड के बारे में भी बोला गया, उसको कैसे डिफाइन किया गया है, एक्स प्लस बीटा वाई है, ठीक है। अब यहाँ पे x और y को हम क्या बोलेंगे कि मेरे पास दो मैट्रिक्स है, डेट इक्वल टू, देखो यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस अबेटा, मतलब वही चीजें लिखा हुआ है ना, आप छोटा में लिख दिया बड़ा कर लीजिएगा। अच्छा ये एक एग्जाम्पल, जेड इक्वल टू ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल है, और इस मैट्रिक्स को हम अलग कंडीशन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, इसको छाट लिया जाएगा, प्लस है तो अब आके सॉल्व वगैरह करेंगे, बिल्कुल आ जाएगा जेड इक्वल टू एक्स प्लस अल्टा वाई की कंडीशन में, बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा एक्स इक्वल टू पहला वाला लेंगे और वाई इक्वल टू दूसरे वाला ले लेंगे, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का कंजुगेट कैसे निकालेंगे या उसका डिफाइन कैसे करेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का अगर एलिमेंट को हम चेंज करते हैं, रिप्लेस करेंगे, बदल देंगे, तो वो क्या बोलते हैं, किसके अकॉर्डिंग, कंजुगेट के अकॉर्डिंग ना। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड द कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स जेड बाई, अच्छा इसके बाद है इज डिनोटेड बाई, ठीक है, मैट्रिक्स ना जेड बाई क्या हो गया इसको, ठीक है, इज डिनोटेड बाई एंड लिखना चाहिए ना, यहाँ पे थोड़ा होगा, यहाँ पे तो लिखा हुआ है एंड होगा, यहाँ पे एज डिनोटेड बाई का होगा जेड का, यही होगा, ठीक है। जैसे हमने मान लिया कि 10 एक जेड इक्वल टू आपके पास एक मैट्रिक्स है, भाई मैट्रिक्स पता नहीं है ना, तो ये तो मैट्रिक्स हो गया। अब इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स जेड निकालेंगे, क्या लिखाएंगे देखिए, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, जेड का, तो इसको जेड बार बोलेंगे, क्या बोलेंगे जेड बार, की क्यों डिनोटेड ही है, जेड के ऊपर में अगर जेड बार हम लिखेंगे तो समझेंगे कि कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स हो रहा है, ठीक है। और इस एलिमेंट को क्या करना है, चेंज कर देना होगा, इसको क्या लगा देंगे जेड बार। चलिए अभी निकलेगा कैसे, पहले हम थोड़ा सा कंजुगेट पढ़ लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्या हुआ, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग नोट्स देख लेंगे, ये बाद में आप नोट कर लीजिएगा या नहीं भी कीजिएगा। ए प्लस क्या होता है, आप बेटा भी ए होता है कॉम्प्लेक्स नंबर ना, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के हम क्या करेंगे, कंजुगेट देखेंगे, तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे आप लिखिएगा कि ये देखिए कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ जेड, तो हम लोग इसको क्या करेंगे जेड बार लिखेंगे, डेट इज इक्वल टू ए प्लस बीटा बी, तो ऊपर भी क्या लगा देंगे बार, अब जेड बार, इसको अगर बार को हटाएंगे तो ये देखिए बीटा वाला जो होता है साइन चेंज होता है ना, तो अवेटा के पास अगर प्लस है तो माइनस करेंगे, या माइनस है तो प्लस करेंगे, बाकी हम लोग नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। इस वाले को हम लोग बोलेंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ए क्या है, कंजुगेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल आप लेते हैं कि ये टू केवल टू प्लस अवेटा है, इसका कंजुगेट क्या होगा, तो बोलिएगा कि प्लस है तो ये माइनस हो गया। अगर z इक्वल टू थ्री है तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, केवल थ्री होगा, क्यों, क्योंकि इसमें आवेटा लगा नहीं है। कैसे लिखेंगे और में, z इक्वल टू थ्री प्लस जीरो आवेटा हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, जोड़ेंगे तो गुणा करेंगे वही मिलेगा, जीरो इंटू आवेटा जीरो होगा, थ्री प्लस जीरो थ्री होगा,
अब इसका हम लोग क्या करेंगे, कंजुगेट लगा लेंगे, तो ए क्या होगा, साइन चेंज कर देगा। डेट इज इक्वल टू, इसमें देखेंगे जब थ्री माइनस जीरो डेट इज इक्वल टू थ्री, जो कि हमने थ्री ही लिख दिया है, समझ में आ रहा। अब यहाँ से एक एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल क्या होगा, जेड इक्वल टू कोई भी एक नंबर ले मैट्रिक्स ले लेते हैं, समझ में आ रहा है ना। एक मैट्रिक्स हमने लिया यहाँ पे टू आई ले लिया, और ये क्या है केवल थ्री प्लस फोर आई ले लिया, ये मेरे पास क्या है, ये मैट्रिक्स है, और यह मैट्रिक्स का नाम क्या है बताइए, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, क्लियर है, क्योंकि इसका एलिमेंट क्या है हाँ बेटा में। अब करेंगे क्या इसको, या हम अंदर ही चेंज कर सकते हैं, देखिए खुद लिखा हुआ है, ठीक है, तो जेड, अब देखिएगा इसको जेड बाहर निकालेंगे, ठीक है, चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं ना, तो जेड बाहर हो गया, कहने के मतलब एलिमेंट के ऊपर में क्या लगाना पड़ेगा, टू प्लस आ बेटा ऊपर थ्री माइनस आ बेटा, बात समझ में आ रहा ना, टू आ बेटा और इसमें थ्री प्लस फोर आ बेटा के ऊपर बाहर लगा। अब ए मिलेगा क्या, तो जेड जेड बार इक्वल टू, ये हुआ मैट्रिक्स आपके पास, इसको मिटा दे, आई है माइनस प्लस करना होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है तो माइनस करना ही होगा, और प्लस है तो माइनस करेंगे, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, बस यही कर देंगे शॉर्ट में, बन गया बन गया ना। और मैं देख लीजिए, जैसे आपके पास जेड इक्वल टू क्या दिया है, टू प्लस आवेटा थ्री माइनस आवेटा टू आवेटा थ्री प्लस फोर आवेटा, चलिए इसको हम जेड लिखेंगे, टू टू थ्री जीरो, बात नहीं करेंगे, यहाँ देखो इसका मतलब ठीक है, जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे, टू थ्री टू थ्री, ठीक है, प्लस आई को कॉमन करेंगे, वन माइनस वन वन, और ये क्या मिलेगा, फोर मिलेगा, ये मिल गया आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ में आ रहा है ना। अब इसको जेड बाहर निकाल देते हैं ना, इस वाले को हम बोल सकते हैं कि एक्स प्लस अवेटा वाई के कंडीशन में आ गया, लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, तो जेड बाहर निकाल दो, ये क्या लिखेंगे, टू थ्री टू थ्री हो गया, ये प्लस है तो क्या लिखेंगे, माइनस, प्लस है तो माइनस लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना। अब ये जो मेरे पास है, इसको हम जेड इक्वल टू एक्स प्लस द आवेटा वाई लिख दिए, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जेड का बार माइनस, ये देखिए सेम टू सेम है ना, बस यहाँ पे अंतर है, यानी कि एक्स माइनस आवेटा वाई आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स और वाई क्या है, दो मैट्रिक्स है, एक्स और वाई क्या है, दो मैट्रिक्स है, डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, तो आप इसको जल्दी भी नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है, ठीक है, देखो ये एक मिनट, यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स वाला बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जीरो, एक मिनट, ये भी क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे क्या आएगा, जीरो सुधार लेंगे, है ना, क्योंकि ये आवेटा है तो आवेटा वाला में जाएगा, और यहाँ पे रियल क्या है, जीरो है, तो आप जीरो रखिएगा, समझ में आ गया जी, चलिए इसको, चलिए अब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का क्या करेंगे हम लोग, गुणधर्म जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी, पहले हम लोग देखिए, इफ ए एंड बी, ए एंड बी बी द कंजुगेट ऑफ ए एंड बी कर लेंगे, कंजुगेट किसका है, ए ऑफ बी, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम लोग, बात करेंगे, जैसे आप देखिए यहाँ पे x लिखे और y लिखे ना, है x और y ना लिख करके हम क्या लिखे है मैट्रिक्स का, a और b, a और b लिखे, ठीक है, ठीक
नंबर वन में बात है, देखिएगा नंबर क्या है, वन है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का मतलब दो बार हम लोग एक मैट्रिक्स का दो बार कॉम्प्लेक्स करने के बाद कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगा। इस बात को बिल्कुल आप समझिएगा। हाँ, जैसे आप दो बार ट्रांसपोज करने के बाद कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त करते हैं, वही किसी भी मैट्रिक्स का अगर दो बार ट्रांसपोज करते हैं फिर से वही मैट्रिक्स आएगा जो आप ट्रांसपोज किए। वही कंडीशन यहाँ भी है कि किसी भी अगर मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स होना चाहिए पहले कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। कौन सी मैट्रिक्स होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का अगर हम दो बार कंजुगेट करते हैं, जेड बार करने का मतलब क्या होता है, देखिए ए बार हो गया चाहे जेड बार, उससे कोई दिक्कत नहीं, या तो जेड भी लिखिए या तो ए भी लिखिए। हमने जेड एक ही बार लिखते, जैसे जेड वन और जेड टू हमको करना पड़ता है क्योंकि ए के जगह पर जेड वन का कॉम्प्लेक्स मतलब इसको कंजुगेट निकालते हैं और बी भी एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होता है जो कि हम जेड टू लिखते हैं और यहाँ पे जेड टू का बार लिखना पड़ता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। खुद लिखा हुआ है कि ए बार और बी बार मतलब क्या होना चाहिए, कंजुगेट ऑफ ए और बी का है, ठीक है, देन पहला कंडीशन है। इसको हम लोग सोल्व करेंगे कि बात सही है, तो बात तो सही है लेकिन इसको साबित करके देख लेते हैं। और अपने मन से एक एग्जाम्पल ले लेना है, एक एग्जाम्पल लेना है, ठीक है। जैसे ए बराबर एक मैट्रिक्स है, छोटा सा मैट्रिक्स ले लेते हैं, बहुत एकदम प्यारा सा मैट्रिक्स होना चाहिए। और ये क्या होगा, फाइव प्लस फोर आर्बिटर, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए डबल है करने का मतलब सिंगल, एक बार रुक जाओ जी, उसके बाद देखते हैं। जैसे आप इस वाले को लिखिएगा जेड बार, जेड बार कहने का मतलब क्या होगा, टू प्लस आ बेटा, इसमें टू आ बेटा, सभी का एलिमेंट आप शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, उतना काम मत कीजिएगा, ठीक है, इतना काम नहीं करना है, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए ए बार इक्वल टू, हमें समझ जाना है कि कंजुगेट लिखा रहा है, इस मैट्रिक्स का कंजुगेट मैट्रिक्स निकालेंगे तो ए टर्म लिखना कोई जरूरी नहीं है। आपको पता है कि जो आई है, आई कहने के मतलब आवेटा है, उसमें साइन चेंज कर देना है। जैसे प्लस है तो क्या लिखेंगे, माइनस, प्लस है तो क्या लिखेंगे, प्लस है तो क्या लिखेंगे, और प्लस है तो क्या लिखेंगे, माइनस। अच्छा, ये अगर माइनस रहता तो क्या लिखना पड़ता, हमको प्लस लिखना पड़ता साइन चेंज। फिर लेकिन कितने बार करना है, दो बार। फिर से देखिए ए का एक बार हो चुका है, फिर से डबल निकाल करने के मतलब देखिएगा, ये दिक्कत होगा आपको यहाँ से। इसके बारे में केवल समझना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, ए का बार ए है, उसके बाद निकालना है कंजुगेट। अब इसका फिर से कंजुगेट निकालेंगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत है। फिर से ए लिखेंगे, ए बार लिख दिए इक्वल टू, यह मैट्रिक्स और यह मैट्रिक्स में कोई अंतर है तो हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। अगर सिंपल तरीका से समझना है कि देखिए वो कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले लीजिए ए प्लस आर बेटा बी, इसका कंजुगेट निकालिएगा तो जेड बार होता है कंजुगेट का डिनोटेट, ये प्लस है तो क्या लिखिएगा, माइनस, फिर से कंजुगेट निकाल दीजिएगा, अब इसका ही कंजुगेट निकालिएगा तो माइनस है तो क्या होगा, जेड बार इक्वल टू जेड आ जाएगा। इसी एक लाइन में समझना है कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है और वह मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए, अगर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है अगर दो बार कंजुगेट करते हैं तो कोई परिवर्तन होता नहीं है। यही बोला है कि एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, दो बार कंजुगेट अगर निकालते हैं तो फिर से क्या मिल जाता है, वही मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर है, ये एक एग्जाम्पल में काफी है कि एक एग्जाम्पल और दे। चलिए आप लोग इसको चेक करके लिख लीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल, अगर ए में ना करके बी में दे सकता है, अगर ये बोलिएगा सर यहाँ पे ए और ए है, अगर यहाँ पे बी और बी रहता तो वो भी होता, क्योंकि मैट्रिक्स ही है ना, नाम चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखना है कि डबल हो रहा है ना। चलिए नंबर टू, आप एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं, आप इसको घर पे बनाइएगा। थ्री प्लस क्या होगा, टू आई, यहाँ पे केवल थ्री है ना, और ये सिक्स माइनस फोर आई है,
और 12 पर प्लस क्या है 10 आ बेटा है। आप इसको देखिएगा कि यह कौन सा दो बार कंजुगेट करने के बाद क्या वही मैट्रिक्स मिलता है, बिल्कुल मिलेगा, आप इसको खुद से बनाएंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए इस वाले को अब नंबर हम लोग 2 देखेंगे। 2 में क्या होता है भाई, देखिएगा 2 क्या है कि k है a और इसका हम लोग क्या करेंगे कंजुगेट निकाल लेंगे, तो a क्या हो जाएगा k आ जाएगा। के क्या होता है सबसे इसके बारे में समझेंगे ना, के क्या होगा के का भी लिख सकते हैं और ए का भी लिख सकते हैं हम इसको ना, यहाँ पे के क्या होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए नंबर, हो सकता है कुछ भी दे दे के का, क्लियर है ना, नोट कर लीजिए। अब यहाँ से बात करते हैं, जैसे एक तो मल्टीप्लाई का हो गया, मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा आप सभी का लेकर के फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी वही आएगा जो कि आप पहले निकाल चुके हैं। हमने देखिए दो तरीका से इसको सॉल्व करेंगे, पहले लेट कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, ए बराबर हमने क्या मान लिया, एक मैट्रिक्स मान लेंगे जिसमें मैट्रिक्स का है एक्स प्लस आबेटा वाई, मैट्रिक्स मान लिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे के ज्ञात करेंगे, K, तो इसमें आ जाएगा के एक्स प्लस आवेटा के वाई, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे के ए का कंजुगेट निकालते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं कि ए का अगर हम कंजुगेट निकालते हैं तो एक्स माइनस आवेटा वाई आ जाएगा, आएगा ना। अब देखिएगा यहाँ पे के हो जाएगा एक्स प्लस आवेटा के वाई और ऊपर भी क्या करेंगे कंजुगेट लगाना पड़ेगा। अब ये बताइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं kx ये माइनस हो जाएगा ky, लिख सकते हैं k क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी क्या लगेगा बार लगेगा और ये साइन चेंज करेंगे तो x और y क्या होगा हट जाएगा ना। अच्छा इसके बाद बताते हैं k का ऊपर हम लोग बार लगाएंगे x माइनस क्या आएगा आ बेटा y। अच्छा ये बताइए ये क्या हो गया ए का कंजुगेट हो गया, इस वाले को और इस वाले को देख लीजिए आप लोग इक्वल है, इसके जगह पे हम क्या रख दो और इधर से क्या आ रहा था हो गया, अब समझ में आया बात सही है। अच्छा इसको आप लोग एक मैट्रिक्स के रूप में लेकर के सॉल्व करते हैं ना, हटा दें इसको क्या उम्मीद बहुत समझ रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं कि अगले बार में नंबर वाला मैट्रिक्स लिए तो ये बहुत हमको आसान लगा और ये थोड़ा सा क्या होगा कि जटिल, फिर से समझ लीजिए ए कोई एक मैट्रिक्स होगा जो मैट्रिक्स से कॉम्प्लेक्स कराएगा तो कॉम्प्लेक्स का कंडीशन तो ऐसे ही लिखते हैं, इसका अगर हम कंजुगेट निकालते हैं तो आवेटा वाला साइन चेंज कर देता है माइनस से तो प्लस में और प्लस रहेगा तो माइनस में, तो ये माइनस में कर दिए इतना काम कर लेंगे ना। अब देखिएगा ध्यान से, पहले हम के ए फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे के ए, तो के हम लोग फाइंड करेंगे तो के से इसमें गुणा कर दिए, अब इसका कंजुगेट निकालेंगे तो ये माइनस है तो प्लस है तो क्या लग जाएगा माइनस, इसको नहीं लिखिएगा तो यहाँ से प्लस है तो माइनस, लेकिन के ऊपर में क्या निकाल दिए कंजुगेट लगाया है, क्यों लगाया है भाई, क्योंकि के कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट होता है। अब ये तो के पता नहीं ना कि कौन सी नंबर है कॉम्प्लेक्स में, तो इसमें क्या करेंगे कंजुगेट ही लगा देंगे, दोनों में से के और ए का मतलब कंजुगेट हम लोग बाहर करेंगे तो ये मिल गया, इतना बराबर ये हो गया। अब फिर से देखिए समझिए, आप छोटा सा एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लो कि लेट ए बराबर एक मैट्रिक्स है, जैसे 2 प्लस आई ले लेते हैं, आई ले लेते हैं 0 हो गया और यहाँ पे 1 प्लस आई, ये क्या है मैट्रिक्स है ना, ए बराबर क्लियर है। अच्छा इसके बाद हम के का भी ले लेंगे, के मेरे पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है ये यार ए प्लस आवेटा बी होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है। अब जेड की लिखल है चाहे के लिखल है, कहा तो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, हम अपना एकदम छोटा सा एक पॉइंट लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसे मान लेते हैं कि 2 ले लेते हैं, चाहे 2 आवेटा ले लेते, ये मेरे पास क्या है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ले लिए। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे,
जैसे अब दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों का क्या करना होगा मल्टीप्लाई। अगर इसका हम कंजुगेट भी निकालते हैं तो इसको भी तो ध्यान देना होगा, क्या मिलेगा 2 माइनस आ बेटा 0 माइनस आ बेटा 1 माइनस आ बेटा, और इसका k बार निकालेंगे तो माइनस 2 आएगा, दोनों आ गया। हम इसको सॉल्व कर देते हैं कि अरे यार k ये पहले फाइंड करो, तो k का वैल्यू क्या है 2 और a का वैल्यू क्या है 2 प्लस आ बेटा 0 1 प्लस आ बेटा 2 से गुणा कर देंगे हम इसमें, पहले गुणा कर देते हैं तब बढ़िया लगेगा, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। 2 से आप गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा भाई, ये 4 आ बेटा प्लस 2 आ बेटा स्क्वायर, इसमें आएगा आ बेटा स्क्वायर, इसमें आएगा 0 और इसमें क्या आएगा 2 आ बेटा प्लस आ बेटा स्क्वायर। कोई दिक्कत है? आप कुछ जानते हैं, बहुत आप चलहा आदमी है, क्योंकि आ बेटा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है माइनस 1 होता है। आप ये बताइए के ए इक्वल टू इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, आ बेटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो ये 4 आ बेटा माइनस 2 होगा डायरेक्ट, आ बेटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस से गुणा करेंगे तब 2 आएगा, ये तो 0 आएगा, ये 2 आ बेटा और ये क्या आ जाएगा माइनस 2। इसको बढ़िया से सुधार उधार के लिखेंगे तो क्या आएगा माइनस 2 प्लस 4 आ बेटा ये माइनस 2 आएगा 0 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 आ बेटा, मतलब सजा के लिखे। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है पहले रियल को लिखा जाता है उसके बाद इमेजिनरी वाले को, रियल वाला आपका माइनस है तो माइनस में नहीं लिखिएगा, इमेजिनरी वाला आगे प्लस है तो प्लस में नहीं, बस सजा के लिखे। अब क्या करना है कंजुगेट निकालेंगे, निकाल दे इसको लिखे नहीं है, अच्छा रुक जाइए नहीं लिखे तो आगे चल रहे हैं, इसको हम ऊपर लिखे के ए का हम लोग निकालेंगे आप कंजुगेट निकालेंगे, निकालो तो है ना सीधा निकाल दे, माइनस होगा तो प्लस और प्लस होगा तो माइनस, आई के साथ क्या लगल है प्लस, इसका कंजुगेट क्या होगा माइनस, तो इसको मैं चेंज कर दीजिएगा केवल आई वाले को, और ये क्या आएगा जीरो ए प्लस टू आएगा क्योंकि इसमें आई नहीं है, क्योंकि आई वाला चेंज होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस वन माइनस टू आई, इतना काम कर लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या करेंगे, के के इसका वैल्यू क्या है, देखिए के का वैल्यू है लेकिन के बार का वैल्यू क्या है माइनस टू आ बेटा, अच्छा कंजुगेट ऑफ ए ना, तो ए बार का वैल्यू ये है, क्या हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं, क्या मिलेगा टू आ बेटा जीरो माइनस आ बेटा वन माइनस आ बेटा, ठीक है ना, इससे हम गुणा कर देते हैं, गुणा कर दे तो दो से गुणा करेंगे तो माइनस कितना आएगा फोर आ बेटा आएगा, माइनस माइनस कितना आएगा प्लस, और इसमें क्या लिखेंगे टू आ बेटा स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस टू आ बेटा स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, इससे गुणा करेंगे तो जीरो, इससे गुणा करेंगे तो माइनस टू आ बेटा और माइनस माइनस प्लस टू आ बेटा स्क्वायर, अच्छा ये 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 2 आ बेटा स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा काम करेंगे अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2 आएगा ना, इसमें 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 भी माइनस 2 आएगा, एक मिनट इसमें कितना आएगा माइनस 2 आएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, अच्छा नहीं ए तो ए बार का वैल्यू कितना है यहाँ से निकलेगा, ये सही था ए यहाँ पे 1 था, ठीक है अब सही है, इसको लिख लिए है नहीं नहीं तो अच्छा इसमें हम ऐसे काम कर देते हैं ना, चलिए अब बताइएगा थोड़ा इसमें ए तो माइनस फोर आ पहले लिख लीजिए उसके बाद बताते हैं, तो इसमें हम लोग देखिए थोड़ा सा ए माइनस फोर आ बेटा हो गया, इसमें हम लोग बात क्या करते हैं देखिएगा माइनस देखिए आवेटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस होता है तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू आ जाएगा, इसमें भी माइनस टू आएगा ये जीरो, ये माइनस टू आवेटा आवेटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस, अब इस वाले मैट्रिक्स के ठीक है और इसको देख करके मिला लीजिए ना, या आप इसको ऐसे लिख दीजिए माइनस टू फोर आवेटा माइनस टू जीरो, ये आ जाएगा माइनस टू आवेटा, बात समझ में आ रहा है ना, तो ए मिला के कंजुगेट ए का कंजुगेट, दोनों सेम टू सेम हो गया ना, इसलिए लिख सकते हैं कि के
और a का मल्टीप्लाई का कंजुगेट निकालेंगे और k कंजुगेट और a का निकालेंगे तो दोनों हमेशा क्या आता है इक्वल आता है। नंबर अब हम लोग क्या करेंगे 3 देखते हैं। देखिएगा नंबर क्या है 3, a प्लस क्या है b है। चलिए आगे बात करेंगे, a प्लस b का हम लोग एक बार कंजुगेट करेंगे या a कंजुगेट प्लस b कंजुगेट, दोनों क्या आता है सेम आता है। यहाँ पे हमने दो मैट्रिक्स लेंगे, कितना मैट्रिक्स लेंगे दो मैट्रिक्स लेंगे, लेट मान लेते हैं a बराबर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। दोनों तरीका से बता दे एग्जांपल लेकर के, चले एग्जांपल 1 प्लस आ बेटा हो गया आ बेटा, 2 आ बेटा, 0 आ गया, ए मैट्रिक्स है। इसका पहले हम लोग क्या करेंगे कंजुगेट निकालेंगे, 1 माइनस आ बेटा माइनस 2 आ बेटा माइनस आ बेटा 0 आ जाएगा। एंड बी का एक हम लेते हैं, बी पहले लेते हैं तो बी क्या आ जाएगा इसमें 0 0 0 आ बेटा क्यों लेते हैं, मतलब कोई भी मैट्रिक्स ले लो इसका कंजुगेट निकालेंगे 0 0 0 और माइनस क्या आ जाएगा आ बेटा। अब पहले हम लोग क्या करेंगे a प्लस b को जोड़ लेना है, उसके बाद क्या निकालना है कंजुगेट मिलाना है। ठीक है a प्लस b को हम लोग केवल जोड़ करके देखेंगे। ठीक है अब देखिएगा नाम लिखेंगे a प्लस b बराबर a का वैल्यू क्या है 1 प्लस आ बेटा आ बेटा 2 आ बेटा 0, b का वैल्यू क्या है भाई 0 0 0 आ बेटा, इस वाले को जोड़ लीजिए। 1 प्लस आ बेटा के साथ अगर 0 जोड़ते हैं तो यही मिलेगा, a भी मिलेगा, a भी मिलेगा, बस 0 प्लस आ बेटा हो जाएगा आएगा, इसको मिटा दे हो गया ना। कोई भी ये पूछ लेता है a प्लस b बराबर, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस आ बेटा 2 आ बेटा आ बेटा आएगा। अब इसका क्या निकालेंगे कंजुगेट करते हैं, तो सीधी सी बात है कि 1 माइनस आ बेटा माइनस आ बेटा माइनस 2 आ बेटा माइनस आ बेटा आ गया। अब क्या करेंगे एंड a कंजुगेट प्लस b कंजुगेट, a कंजुगेट का वैल्यू आप निकाले हैं उसको देख लीजिएगा बिल्कुल यहां से लेंगे। ठीक है तो a हो गया 1 माइनस आ बेटा आ बेटा और ये 2 आ बेटा और ये 0 आ गया, बीच में प्लस आ जाएगा। b का कंजुगेट आप निकाल चुके हैं, क्या है 0 0 0 माइनस आ बेटा, दोनों का आप जोड़ लीजिएगा ना, इस एलिमेंट के इसके साथ, इस एलिमेंट के इसके साथ, इस एलिमेंट के इसके साथ, इस एलिमेंट के इसके साथ हमें क्या करना है जोड़ना है, इसको हम लोग जोड़ेंगे 1 माइनस आ बेटा माइनस आ बेटा और 2 आ बेटा, इसको जोड़ करके देख लीजिएगा माइनस आ बेटा, इस वाले वैल्यू को और इस वाले वैल्यू को मिला के देखिए दोनों क्या है इक्वल है, तो डेट इज इक्वल टू ए प्लस बी का कंजुगेट इक्वल टू ए कंजुगेट प्लस बी इक्वल होता है। ठीक है शॉर्ट तरीका बनाना होगा तो ए और बी अलग लिखे और दोनों पे आप जोड़ करके उसका कंजुगेट वगैरह निकालिए, बिल्कुल क्या आ जाएगा इक्वल आएगा। हो गया अच्छा नंबर ए 3 है ना, अब की बार नंबर क्या आएगा 4, दोनों का मल्टीप्लाई करके देखे होंगे ट्रांसपोज में ए बी का मल्टीप्लाई करते थे और उसका डैश करते थे तो बी का डैश और ए का डैश आता है, सेम टू सेम यहाँ भी वही काम कर लेंगे। हटा दे इसको, नंबर क्या है 4, नंबर 4 में है कि ए बी का मल्टीप्लाई का कंजुगेट निकाल करके और यहाँ पे ए बी का कंजुगेट और क्या लिखेंगे बी का कंजुगेट, उसमें ट्रांसपोज करने के बाद बी को आगे और ए को क्या लिखा जाता था पीछे लिखा जाता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है चलिए हमने मान लिया कि ए बराबर एक मैट्रिक्स, हम उतना मैट्रिक्स हम नहीं मानेंगे क्योंकि ए का मानना होगा फिर बी का कंजुगेट में दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो और दिक्कत हो जाएगा, सीधा एक मैट्रिक्स है और इसका कंजुगेट हम लोग निकालेंगे तो एक्स माइनस आ बेटा वाई आएगा, उसके बाद हम लोग बी का एक मानेंगे पी प्लस आ बेटा क्या ले लेते हैं की, तो बी का कंजुगेट क्या आएगा, किसी को कोई परेशानी है
एक्स प्लस बेटा वाई के कंडीशन में ही ना ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, नाम के केवल ये मैट्रिक्स बनाया गया है। इसका कंजुगेट निकालिए, इसका कंजुगेट। अब एलएचएस वाले को एक तरफ करेंगे और आरएचएस वाले को एक तरफ, और दोनों क्या हो जाना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलिए इसको हम लेते हैं, देखिएगा नाउ लिखेंगे ए बी। ए बी कहने का मतलब ए का वैल्यू हमने एक्स प्लस आ बेटा वाई लिखा, और बी का क्या पी प्लस आ बेटा क्यू लिखा। इतना काम कर लेंगे ना, इसको मिटा दें। अब इसको क्या करना है, कंजुगेट लेना है। तो कंजुगेट डायरेक्ट भी ले सकते हैं या मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हैं, आप जैसे बोलिएगा वैसे हम काम कर देंगे। इसमें मल्टीप्लाई करके लेना है, चलिए मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं। एक्स वाले को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पी बनेगा, बीच में क्या होगा प्लस। इस वाले को इससे करेंगे तो आ बेटा एक्स क्यू बनेगा, बीच में प्लस। इस वाले को इसके साथ करेंगे आ बेटा पी वाई बनेगा, बीच में क्या होगा प्लस ही होगा, आ बेटा इंटू आ बेटा स्क्वायर, और क्या होगा वाई और क्यू। अच्छा ये बताइए ए बी इक्वल टू एक्स पी है, हमने इसको एक्स पी लिख दिया ना, सभी मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखिए आ बेटा एक्स क्यू है, आ बेटा पी वाई, तो इसमें से हम आ बेटा को कॉमन कर लेते हैं तो क्या मिलेगा एक्स क्यू प्लस पी वाई, और आ बेटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस वाई क्यू होगा ना। अब हमने ए बी को लिख करके देखिए इस वाले को रियल हो गया, रियल है ना, एक्स पी माइनस वाई क्यू, इसको एक साथ प्लस आ बेटा एक्स क्यू प्लस क्या आ जाएगा पी वाई। इसका हम कंजुगेट निकालेंगे तो क्या मिलेगा भाई एक्स पी, क्योंकि यही पी केवल चेंज होगा ना, नहीं समझे बात को। तो ए क्या होगा माइनस में लिखेंगे एक्स क्यू प्लस क्या आ जाएगा पी वाई हो गया। एंड अब चलेंगे ए काम हो गया, अब इधर वाला काम करेंगे, कर ले तो दोनों सेम टू सेम आना चाहिए। तो हम लिखेंगे ए बार और बी बार। ए का वैल्यू क्या है, ए का कंजुगेट देखिए यहाँ पे सर एक्स माइनस आ बेटा वाई है, और इंटू पी माइनस आ बेटा पी। एक्स वाले को गुना कर दीजिए एक्स पी माइनस आ बेटा एक्स क्यू होगा, होगा कि नहीं होगा, बीच में क्या होगा माइनस। इस वाले को इससे करेंगे तो आ बेटा एक्स क्यू हो जाएगा, कर लीजिए। अच्छा कर लिए दो हो गया, अच्छा इससे करना है ना, आ बेटा पी वाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, आ बेटा इंटू आ बेटा स्क्वायर हो गया वाई क्यू आ गया। अच्छा ये बताइए एक्स पी इसमें से माइनस कॉमन कर दे क्या, तो दोनों क्या चीजें आ जाएंगे प्लस में, दोनों चीजें क्या आ जाएंगे प्लस में, इसमें वन तो वाई क्यू आएगा, आ बेटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन ना, आ बेटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। अच्छा ये बताइए एक्स पी माइनस वाई क्यू एक साथ रख देते हैं, माइनस आ बेटा एक्स क्यू प्लस वाई इक्वल टू क्या है ए आ गया ए वन। आप ही लोग देख करके बता दीजिए, इस वाले को और इस वाले को मिला के देखिए दोनों वैल्यू क्या है इक्वल है। हम तो बोल ही सकते हैं कि ए बी का मल्टीप्लाई करके कंजुगेट निकालिए, या ए कंजुगेट बी कंजुगेट मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों क्या आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना चीजें। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स लेना है, ए का मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का हमने कंजुगेट निकाला निकाल दिया, दूसरा बी लेना है, बी का कंजुगेट निकाल दिए, ए बी का मल्टीप्लाई कर लिए, इनसे एक बढ़िया से मैट्रिक्स मिल गया, और इस मैट्रिक्स का तीन कंजुगेट निकाल दिए तो ये प्लस है तो माइनस में। इधर वाले को हम लोग देखे ए का कंजुगेट फिर बी का कंजुगेट है लिखल है, खुद लिखा है कि ए का कंजुगेट होगा और बी का कंजुगेट क्या होगा बी बार होगा। ठीक है, हमने इसको ए बार और बी बार, ए बार का वैल्यू और बी का रख दिए, दोनों का मल्टीप्लाई किए, एक दो तीन चार, मतलब एक दो तीन चार हो जाएगा। आ बेटा इसमें दोनों में माइनस कॉमन कर दिए तो दोनों चीजें प्लस में अंदर होगा, बाहर में माइनस होगा, आ बेटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन होता है, ए रियल है, ए रियल है उसको एक साथ और ये वाला एक साथ रखे, ए वैल्यू और ए वैल्यू दोनों क्या है सेम टू सेम है। बोल सकते हैं कि एलएचएस इक्वल टू क्या होगा आदित्य, इसमें मात्र चार ही प्रॉपर्टीज था जो कि हम लोग पढ़ लिए।
उसके बाद आप इसको जल्दी भी नोट करेंगे। और एक फिर से एक थ्योरम है जो कि ट्रांसपोज की कंडीशन में है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, बिल्कुल तो आप इसको जल्दी भी नोट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे एक ट्रांसपोज ना कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब क्या भयानक है, पहले कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स देगा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का हम कंजुगेट देखेंगे, कंजुगेट के क्या देखना होगा, ट्रांसपोज देखना होगा, ऐसा होगा ठीक है। तो हमने यही लिखा है द कंजुगेट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ जेड, जेड का हम कंजुगेट करेंगे ठीक है, इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट ऑफ जेड, मतलब कहने के मतलब है कि आप या तो कंजुगेट करके ट्रांसपोज कीजिए या ट्रांसपोज करके कंजुगेट निकालिए, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। जैसे हमने इसको लेट मान लिया जेड इक्वल टू, जेड इक्वल टू कौन सा एक कॉम्प्लेक्स मानेंगे बता देंगे, जेड इक्वल टू एक्स प्लस अबेटा वाई हो गया, चाहे ए प्लस अबेटा बी निकाल सकते हैं, पा सकते हैं। अब इसको पहले क्या करना होगा, ट्रांसपोज करना होगा, चलिए ट्रांसपोज मतलब ए कर लिए, तो एक्स प्लस अबेटा वाई हो गया, इसको बढ़ा नहीं देते, ए डैश हो गया, ट्रांस बी वाला पता है ना, ट्रांसपोज तो कर लिए। आपको पता होगा ये चीज कि ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो लिखते हैं कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो भाई ए दोनों मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना है। अब इसका क्या निकालेंगे, कंजुगेट निकालते हैं, क्या निकालना पड़ेगा, कंजुगेट, तो कंजुगेट जेड हो गया, इस तो जेड कंजुगेट रहेगा, इसका मतलब अब एक्स माइनस क्या आएगा, वाई ट्रांसपोज हो गया, क्लियर है, इसका अपनी जस्ट उल्टा, क्या पहले कंजुगेट उसके बाद ट्रांसपोज, एंड लिख सकते हैं, देखिएगा जेड इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस अल्टा वाई है ना, इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, कंजुगेट निकाल लेते हैं, तो कंजुगेट क्या होगा, एक्स माइनस अल्टा वाई हो गया, होगा ना। अब इस कंजुगेट का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज करने के मतलब x माइनस अबेटा वाई, बात समझ में आ रहा है, इस वाले को क्या बोलते सकते हैं, x ट्रांसपोज हो गया माइनस अबेटा वाई, इस वैल्यू का और इस वैल्यू को देख लीजिए आप, समझ गए बात को, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब डिफिनेशन क्या बनता है, तो द कंजुगेट ऑफ द ट्रांसपोज, द कंजुगेट ना ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज किसका, मैट्रिक्स का ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स, ऑफ मैट्रिक्स जे ई called the conjugate transpose, दिख रहा है जी बढ़िया से, इसमें डालिए ना transpose of z, of क्या करेंगे z, and it is denoted बाई, इसको हम जेड और ऊपर से क्या करेंगे, स्टार लगा देंगे ना, क्या लगा देंगे, और एंड डिफाइंड कैसे लिखेंगे, या सीधा लिखेंगे दस, देखिएगा जेड हो गया समझ गए ना, और ए क्या लगा देंगे, स्टार, डेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जेड ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के करने के बाद मतलब क्या करेंगे, बार निकालेंगे, उसके बाद या तो जेड का बार कीजिए या तो फिर उसके बाद इक्वल आ जाएगा। अब हमें पता चल गया करना क्या होगा, एक मिनट में हम इसको समझेंगे, अगर कभी भी देखिएगा ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स पूछेगा तो पहले हम एक मैट्रिक्स को पता करेंगे ठीक है,
क्या पता करेंगे, एक मैट्रिक्स को, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स का डिनोटेड क्या होगा, जेड स्टार करेंगे, बराबर इसका फॉर्मूला भी पता कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को पता करेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद कंजुगेट निकालेंगे, वही बन जाएगा आपका ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना? इसको हटा देना। एग्जाम्पल चलिए देख, जेड बराबर एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, कॉम्प्लेक्स का ही मैट्रिक्स होना चाहिए, एक मैट्रिक्स है ना, और हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे, किसका, जेड का। तो हमें पता है कि ए जो होता है जेड स्टार इक्वल टू जेड का ट्रांसपोज करके उसके बाद कंजुगेट निकालेंगे, या कंजुगेट निकाल करके ट्रांसपोज करेंगे, दोनों चीजें क्या होता है, सेम होता है। चलिए इसका ट्रांसपोज कर ले या कंजुगेट कर ले, चलिए हम पहले क्या कर लेंगे, इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज करने के लिए पहले ही सिखा दिया गया है कि 2 प्लस आ बेटा 3 माइनस 4 आ बेटा 5 प्लस आ बेटा 7 माइनस 10 आ बेटा, समझ गए ना, ट्रांसपोज करने सीखे है ना, और रो के कॉलम और कॉलम को रो करना है, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, जेड बाहर निकालेंगे, निकालेंगे ना। तो अब बताइए, ये 2 माइनस आ बेटा 5 माइनस आ बेटा 3 प्लस 4 आ बेटा और क्या होगा 7 प्लस 10 आ बेटा, इसलिए क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ना, तो जेड स्टार इक्वल टू जेड बार का डैश इक्वल टू इसका वैल्यू क्या है, 2 माइनस आ बेटा 5 माइनस आ बेटा 3 प्लस 4 आ बेटा 7 प्लस 10 आ बेटा, क्लियर है ना, ऐसे भी कर लेंगे। अगर आपको पहले नहीं सर, पहले हम ट्रांसपोज करके अगर कंजुगेट निकालते हैं तो क्या दिक्कत है, आप निकाल सकते हैं। इसको हम और में लिखते हैं, और देखिए जेड बराबर कितना है भाई, जेड बराबर 2 प्लस आ बेटा है 5 प्लस आ बेटा है 3 माइनस 4 आ बेटा है 7 माइनस 10 आ बेटा है, क्लियर है ना। अब इस वाले को देखिए, आप करेंगे नहीं, नहीं नहीं, पहले आप ट्रांसपोज कर लीजिए, तो आप किए थे, अब के हम कंजुगेट निकाल देते हैं, तो 2 माइनस आ बेटा 5 माइनस आ बेटा 3 माइनस 4 आ बेटा, अच्छा ये माइनस से तो प्लस हो जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, इसका ट्रांसपोज कीजिए, क्या करना होगा, ट्रांसपोज। आपको पता है कि ये जो रो है इसको कॉलम में बना देना है, 2 माइनस आ बेटा 3 प्लस 4 आ बेटा 5 माइनस आ बेटा 10 प्लस 7 प्लस 10 आ बेटा। अब इस वाले को देखिए, दोनों इक्वल आ जा रहा है, तो वही तो डिफिनेशन निकल है कि द कंजुगेट ऑफ जे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जेड इज कॉल्ड द कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ जेड, ठीक है, एंड लिखा हुआ है डिनोटेड बाय इसे करेंगे, इसलिए इसको क्या करेंगे, जेड स्टार बराबर क्या हो जाएगा, जेड बार इक्वल टू क्या होगा, 2 माइनस आ बेटा 5 माइनस आ बेटा 3 प्लस 4 आ बेटा 7 प्लस 10 आ बेटा, ठीक है। और इस वाले को हम लोग डेट इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स टू सा जेड का। अब भूलिएगा नहीं ना, कैसे भूल जाएगा है? ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, तरीका तो आपको मालूम होना चाहिए ना। तो ये बोला गया था कि ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, या तो कंजुगेट करके ट्रांसपोज कीजिए या ट्रांसपोज करके कंजुगेट कीजिए, बात एक ही बनता है, ठीक है। उसका डिनोटेट थोड़ा हम लोग क्या कर दिया है, स्टार। अब स्टार इक्वल टू आपको हमेशा समझना होगा, क्या जी मोहन, अगर ये स्टार है तो आप समझ जाएंगे
ए स्टार है तो समझ जाएंगे कि ये ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स है और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंजुगेट निकाल करके ट्रांसपोज करेंगे या ट्रांसपोज करके कंजुगेट निकालेंगे। बिल्कुल आप इसको समझिएगा, तो हम लोग अगले क्लास में इसका एक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और जो भी पढ़ेंगे वो बिल्कुल पेपर में पूछा गया है, डिफिनेशन पूछता है, दो चीजें हैं और बहुत अच्छा वाला डिफिनेशन आएगा, तो आप इसको नोट करेंगे और मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सभी यूनिवर्सिटी में आप बिल्कुल देख लेंगे कि मैट्रिक्स का जो भी आपका सिलेबस में दिया होगा पढ़ेंगे, ये नहीं देखेंगे कि सेमेस्टर वन में है कि सेमेस्टर टू में है कि सेमेस्टर थ्री में, केवल आप मैट्रिक्स देखिए। और ये लालजी प्रसाद के बुक से हम पढ़ा रहे हैं, अगर सेमेस्टर वन में है तो भी ठीक है और सेमेस्टर थ्री में है तो भी ठीक है, अगर पार्ट वन में है, पार्ट टू में और पार्ट थर्ड में, केवल आप मैट्रिक्स का टॉपिक देखिए बिल्कुल पढ़िए, ठीक है।